दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल की सेटिंग से हम फ्री फायर को किस तरीके से हाइड करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप यही जानना चाहते हैं कि मैं भैया अपनी मोबाइल की सेटिंग से फ्री फायर को छुपाना चाहता हूं, तो दोस्तों किस तरीके से आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके फ्री फायर को किस तरीके से छुपाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में आपको शुरू से लेकर आज तक बने रहना होगा। हेलो नमस्ते, मैं विमलेश आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विमलेश स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं, जानकारी आगे आपको देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप फ्री फायर बाहर करते हैं हाइड तो आपको फ्री फायर शो होता रहता है, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग में हो जाता है, ऐप मैनेजमेंट में हो जाता है, वहाँ पे होता रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको किस तरीके से मोबाइल की सेटिंग से ही हाइड करना है, तो कैसे करना है, आपको किस तरीके से करना है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यदि सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाके उसे को गूगल के प्ले स्टोर पर सबसे पहले आपको हाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, आपको इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने एक डाल दी है बना के, वो आपको देख लेनी होगी कि आप प्ले स्टोर से किस तरीके से गूगल फ्री फायर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक ये है। नंबर दो, आप मोबाइल की सेटिंग से फ्री फायर को कैसे ऐड करेंगे, तो आपको सिंपल से मोबाइल की सेटिंग को इस तरीके से टैप करना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। आपके फोन में ये सेटिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम रियलमी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्री फायर नजर आ रहा है, ये देखो फ्री फायर रहा, ठीक है। अब इसे हम इस सेटिंग में किस तरीके से ऐड करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, फिर से सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नीचे की तरफ प्राइवेसी का एक ऑप्शन, ठीक है। प्राइवेसी के ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप लॉक, ठीक है। इस तरीके से इस पर हम टैप करेंगे तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे बोलना है कि सेट पासवर्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप मोड पे आप किसी भी तरीके का पासवर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे 6 अंकों का पासवर्ड एक डाल देता हूँ, वही पासवर्ड फिर से हम यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, ठीक है। क्या डालना है, नेम, ठीक, और डन कर देना है। इस तरीके से डन करेंगे, अब ये देखो इस तरीके से मिलेंगे आपको, इन्हें आपको हटा देना है, ठीक है। ये टिक लगे होंगे, लॉक पे नीचे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, फ्री फायर पे क्लिक करना है। फ्री फायर पे क्लिक करेंगे, ऐप लॉक पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, यानी कि आपकी होम स्क्रीन से बिल्कुल ही छुप जाएगा। हाइड फ्रॉम रीसेंट टास्क, यहाँ पे आपको रीसेंट में जो नीचे चलते रहते हैं वो भी वहाँ से छुप जाएगा, ठीक है। हाइड नोटिफिकेशन, यहाँ पे सभी छुप गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये पहले से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है, यू कैन व्यू हिडन एप्स बाय इस तरीके से एंटरिंग दी एक्सेस कोड। यहाँ पे आपको एक कोड डालना पड़ेगा अपने डायलर में, ठीक है। अब यहाँ पे उस वहाँ पे डायलर में पहले नहीं डालना, यहाँ पे आपको 6 अंकों का एक कोड डालना पड़ता है, ठीक है। पहले अंक जैसे आप 6 अंकों का डालना चाहते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, उससे पहले आपको अंक फर्स्ट डिजिट से पहले हैज लगाना है और लास्ट में हैज लगा देना, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपका यहाँ पे हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये देखो बाहर निकल के आ चुके हैं। अब आपको फ्री फायर कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री फायर को हाइड कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके सीधी वो वीडियो आपको देख लेनी होगी और प्ले स्टोर से भी आपको हाइड कर देना होगा फ्री फायर को। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल की सेटिंग में फ्री फायर को हाइड कर पाए होंगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल वीडियो होगी आपके लिए। तो मिलता हूँ तब तक के लिए, मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।